स्टेला का जो बच्चा जो फोटो पे भेजा था जोरो वो है वहां से जी, वो देसी देखें कैसे भाग के आ रहा है, इसको चैलेंज कर रहा है तू मेरे इलाके में आया आया क्यों। ये जी कमरा इन देसी मुर्गियों का है ना, असील ये तो बड़े मुर्गे असील। इसको जी पट्टा बना दिया, पट्टा है तो गंदा सा लेकिन सही है, खुला खुला मैंने डाल दिया जी। मुर्गा जी मेरे हाथ में, इसको यहाँ थोड़ी देर छोड़ेंगे घास के ऊपर, घास घूस कम जी। क्या हाल चाल है आप सबका, उम्मीद करता हूँ खैर खैर से होंगे, मज़े में होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारा अक्रम ब्लॉग और मैं हमारा अक्रम। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फिर शुरू करते हैं जी आज की मज़ेदार वीडियो। तो जी जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको पता मैं जी कोटदू गया हुआ था, वहाँ से जी काम तो शादी थी इसलिए गया हुआ था। तो वहाँ पे जाके भी मैं उसको देखने गया था, स्टेला का जो पप्पी जोरो हमने कोटदू भेजा था, जो पुराने देखने वाले उनको याद होगा ब्राउन कलर का था, उसकी जी वीडियो बनाई है बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। पहले आप जाएं वो देख के आएँ फिर आगे बात शुरू करते हैं। स्टेला का जो बच्चा जो कोटदू भेजा था जोरो वो है, काफ़ी बड़ा हो गया। दूसरा एक इनके पास ये भी छोटा रशियन सा, ये देखो कितना बड़ा हुआ है जी। कल रात लेट पहुंचा था तो अभी उठा हूँ, अभी उठते सार जी सबसे पहले जी डॉग्स को देखने आया मुस्तफ़ा के पास, मैं इनका पहले वो देखें फिर और कोई काम करेंगे ज़िंदगी का, दिखाऊँ आपको जी। ये जी करंट बैठा हुआ है, वहाँ हीरा बैठा हुआ, हीरा की तबीयत ख़राब है लेकिन ये ओके है, मैं भी खड़ा होकर भी दिखाता हूँ। करंट और हीरा को देख के जी वापस आ गया और वहाँ पे जी मैं आपको हीरा का सही तरह शौक नहीं कराया, उसकी जी एक वजह है, हीरा जो है उसकी आपको बताऊँ तो उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है 3-4 दिन से। मैं वहाँ पे था, वहाँ पे भी मुझे इसकी कॉल आई थी कि वो बीमार हुआ है, तो बीमार वो ये हुआ उसको जहरबाद और बादी सी जो होती है ना वो हो गई है, कोई मैदे की प्रॉब्लम ना हैप्पी मैदे की प्रॉब्लम हो गई है उसको, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उल्टियां कर रहा है, उसने अपनी जगह पे उल्टी की हुई थी, मैंने इस वजह से दिखाई नहीं, अजीब सी फीलिंग आती है। और यहाँ से हैप्पी के देखें, हैप्पी इसका जी एक कान तो खड़ा हो रहा है, तो दूसरा कान भी हो जाएगा शायद खड़ा, इसको जी थोड़ी देर खोलते हैं। और मैं 2-3 दिन बाहर रह गया हूँ, जब भी आता हूँ मुझे ये कमज़ोर ही लगता है, पता नहीं इसे क्या हो जाता है। मेरा शहजादा है ना, इसको यार मैं यहाँ चलो घर में होता है दूध छूत है, दूध छूत पीता रहता है, तो इस वजह से मैं इसको किसी को नहीं दे के जाता, उनको तो मैंने जी अपनी मसरूफियात की वजह से दे दिया। अब इसको छोड़ते हैं थोड़ी देर, आज इसकी गर्मी भी करनी है, इसको मुझे लग रहा है आँखों में आंसू से। और इसके पिसुओं का हाल देखें, क्या हाल है इसका, पिस्सू ख़त्म हो गए हैं, दवाई ने असर अच्छा किया, अब इसको छोड़ते हैं थोड़ी देर घूमने फिरेगा। हैप्पी ये जी एक पुराना बेल्ट पड़ा था बिल्ली का, हैप्पी से काफ़ी देर से इसके साथ कह रहा हूँ, हैप्पी अब फुल थक गया इसकी बस हो गई है। ये जी गुलटियर जो हों पिट बुल हों, तो जी इन लोगों को रखने का तरीका ही यही है कि आप लोग जी इनको थका के रखें, ठीक है थके रहें रोज़ की इनकी कोई ना कोई एक्सरसाइज हो, वॉक हो या फिर आप इनको किसी चीज़ बॉल के साथ खेलें या कोई ऐसी चीज़ बना लें जिनको ये काट करते रहें। ये जो अब यहाँ पे मैंने रखा हुआ था ना ये जंप करता था, हैप्पी जंप थक गया अब, ठीक है ये जंप करता रहता है, ये थके रहते हैं तो ठीक रहते हैं, जब ये बिल्कुल फ्रेश हालत में खड़े हो ना थकावट ना हो इन्हें तो ये ख़राब करने लग जाते हैं। ख़राब कैसे करते हैं, ख़राब इस तरह करते हैं फिर ये कोई नुकसान करेंगे, जानवरों की तरफ जाएँगे बंदों को काटेंगे या फिर मुर्गियों का नुकसान करेंगे। तो मैं तो जब से गुलटियर रखा है ना, करंट भी था ना, करंट एक बड़ा गुस्से वाला बेदीद डॉग है, लेकिन मैं उसको रखता इस तरह ही था, मैं उसको मोटरसाइकिल के साथ इतना भगा देता था कि वो थका रहता था, थकावट होती थी उसे, जब शिकार पर लेके जाना था फिर 1-2 दिन उसका टोरा फेरा बंद कर देता था, उसको थकावट नहीं होने देता था। गुलटियर हो या पिटबुल हो तो इनका गुस्सा कंट्रोल करने का, इनकी पावर कंट्रोल करने का यही तरीका है कि ये थके रहें, ठीक है। अब ये आपको दिखाऊं तो इसने अभी आते सार मेरे पाँव पे आपको इसके दांतों के निशान, पाँव के निशान लग नज़र आ रहे होंगे, ये शलवार जी दो जगह से इसने फाड़ दी है, धागे निकाल दिए हैं, ये इसी की खेल कूद में ये इसने नुकसान किया। अगर ये थका हुआ अभी थक गया
अभी अपने शुगर मेले में रगर आएगा, बैठ जाएगा कहीं मुझे साथ, अपनी तंग करेगा मुझे। देखें यार, एक खड़ा हो रहा है इसका, एक नहीं हो रहा, कान बड़े बहुत हो गए हैं। गुलटियर वाले कान नहीं है इसके, गुलटियरों के कान तो छोटे होते हैं, कान बड़े हो गए। अब इसको ये चादर नज़र आ रही है, अब इसने उसके साथ पंगे स्टार्ट करने हैं। लेकिन चाचू मुख्तार की चादर है, इसको संभाल लें। आपने छोटी सी जोरो की क्लिप देखी होगी, साथ एक पिस्ता डॉग भी था, उसकी भी देखी होगी। पिस्ता अपने कलर में तो नहीं है, पिस्ते ज़्यादातर वाइट कलर में ही होते हैं, लेकिन उसके साथ ब्लैक है वो जी, फीमेल है वो, बच्चा है छोटा, वो मिल भी जाएगा, मुझे कोई मसला नहीं है। जिनके पास खड़ा है मैं उनको जोरो दिया, वो मुझे वो भी दे देंगे। और बात ऐसे है कि जोरो जो है ना, ये पहले तो इकट्ठे ही थे, मैंने स्टाइला के नीचे इसको पाला था, इसकी तो आंखें नहीं खुली थी, ये तो खुद फीड नहीं कर सकता था, फीडर से थोड़ा बहुत फीड कराता था, या स्टाइला के नीचे जी इसको फीड करा देता जब वो दूसरे पी रहे होते थे, इसको भी स्टाइला के नीचे फीड करा देता था। वो इससे बड़ा है उम्र में, मेरे ख्याल में 20 से 25 दिन बड़ा, लेकिन मैं गया हूँ ना, उसकी सेहत इससे ज़्यादा है, लेकिन साइज़ जी इसके जितना ही है। लेकिन ये फिर भाई उससे बाहर चीज़ है, ये उससे भी ज़्यादा कमाल है, ये हर चीज़ में काम आएगी, फाइटिंग भी करेगा, कोर्ट में भी लड़ेगा, शिकार में भी जाएगा, हर चीज़ करेगा ये इंशाल्लाह। थोड़ी देर के लिए जी मुर्गे को लेके आता हूँ अपना बाहर, बड़े मुर्गे को, यहाँ बैठेगा थोड़ा बहुत खेले कूदेगा घूमेगा, घास वगैरह जो है वो खाएगा। इसको बांधते हैं, इसको अंदर ही बांधते हैं, धूप जो है ना इनको चुभती है, अंदर बांधते हैं, मुर्गे को लेके आते हैं जी। मुर्गा जी मेरे हाथ में, इसको यहाँ थोड़ी देर छोड़ेंगे घास के ऊपर, घास घूस खा लेगा, फिर जी इसको अंदर लेके जाएंगे। अंदर घर है वहाँ पे इतना कुछ तो होता नहीं, जानवरों में जिनकी सही सेहत बनती है, चूज़े निकलेंगे तो उनको जानवरों में ही छोड़ेंगे। घास है ना ये, यहाँ खाएगा आराम सुकून से मज़े से। लेकिन इसका डर है, इसके कील हैं तो हैप्पी को इसने एक दो दफ़ा पहले भी मारा। हैप्पी जो बच्चा है वो खेलता है, लेकिन इसको खेल समझ नहीं आता, इसने भी इसको एक दो दफ़ा मारा, तो ये भी ख्याल करना पड़ता। वहाँ से जी वो देसी देखें कैसे भाग के आ रहा है, इसको चैलेंज कर रहा है, तो मेरे इलाके में आया आया क्यों। ये जी कमरा इन देसी मुर्गियों का है ना, असील ये तो बड़े मुर्गे, असील जो हैं वो घर पे ही होते हैं। ये यहाँ पे आया, ये अभी स्टार्ट हो जाएंगे। मार खा के गया फिर वापस आ गया, इसको भी सुकून नहीं आ रहा मार खाने, ये सुकून से फिर रहा, भाग गया था दरवाजे के नीचे से बाहर निकल गया था। इसके कील बहुत बड़े हैं, बहुत सालिम कील हैं इसके, देखो ना कभी कितने बड़े बड़े हैं। बाहर मैं भी नहीं जान रहा, आज तो पक्का पक्का डरवा देना, तू दोबारा पंगे नहीं लेगा, रुक जा तेरी मैं तो। इनका देसियों का ये दवा होता है, पका पका के अगले को थकाते हैं, इनका स्टेमिना बड़ा होता है देसियों का, असीलों का इतना नहीं होता, लेकिन उन बस नहीं क्रॉस कर सकता, डर रहा है कहाँ क्रॉस करेगा। इसकी चंगी एक्सरसाइज हो गई है, उसने बड़ा आगे आगे भागा या उसके पीछे पीछे भागा, इसकी सही चंगी एक्सरसाइज हो गई है। रोज़ ऐसी एक्सरसाइज होती रहे ना फिट हो जाएगा वो, आपको अगर नज़र आ रहा हो तो वो गया फिर रहा, खून से लथपथ हो गए, इसकी सही आज बेहतरीन एक्सरसाइज हो गई है। इसको जी पट्टा बना दिया, पट्टा है तो गंदा सा लेकिन सही है, खुला खुला मैंने डाल दिया। इसकी वो गर्दन वाला जो मेरा वहम है कि गर्दन का साइज़ जो है मजबूत या छोटी, वो साइज वो टेंशन भी ख़त्म होगी, खुला खुला डाल दिया। और जो हैप्पी, अच्छा रोटी गिरी भी थी, रोटी भी डाल लिया इसकी। और जो चेन जो थी वो गले में इस पर फंस जाती थी, वो वाला काम भी जो है ना वो भी ठीक हो गया। हैप्पी, अरे यार काटी काटता है। अच्छा जी मगरिब का टाइम है और रोज़ा वगैरह भी है घर में, घर वालों का, मेरा तो नहीं क्योंकि मैं उठा ही नहीं, तो बाकी घर वालों का है, लेकिन उनके साथ बैठ के जी इफ्तारी वगैरह करते हैं, तो इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। तो आप जी बताइएगा कि अब हैप्पी की सेहत आपको कैसी लग रही है, और जो मैंने आपको स्टेला का पपी दिखाया जोरो वो आपको कैसा लगा जी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, ओके अल्लाह हाफिज़।